पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हमारे साथ सुधीर सलूजा मौजूद हैं जो कि पानीपत से हैं। इनको लेखन का शौक है और देखिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, मोदी की गारंटी। कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी ये कि पुस्तक क्यों लिखी गई, किस पर्पज़ से लिखी गई और कब लिखी गई, और इसके प्रकाशन में जो इनको दिखते हैं आ रही हैं किस प्रकार से इसका प्रचार। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली से। सानू गरीबों का जीवन का स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पद्धर किवें चक सकते हैं, ये साडियां प्रायोरिटीज़ ने। मेरे ते यकीन तुसी कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुट्टन नहीं दूंगा। चार प्रसार कर रहे हैं, सब विषयों पर इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका पंजाब के केसरी में। धन्यवाद। ये आपने पुस्तक प्रकाशित की मोदी की गारंटी, ये कब प्रकाशित हुई आपकी? ये मैंने दिसंबर 2023 में इसको लिखा था और 2023 में ही प्रकाशित की है दिसंबर में। इस पुस्तक में दरअसल मोदी की गारंटी, जो मोदी जी के द्वारा किए गए विकास कार्य, उनकी योजनाओं का विस्तृत जानकारी मैंने इस पुस्तक में दी है। और विकास और विरासत की जो बात वर्तमान समय में हो रही है उसका उल्लेख किया है कि विकास जो है बिना विरासत को संभाले हम अपने विकास से आगे मतलब विकास नहीं कर सकते हैं, जब तक कि हम अपनी विरासत को नहीं संभालेंगे। 2014 में जनता ने मोदी जी पर भरोसा किया, 2019 आते आते मोदी जी ने उस भरोसे को विश्वास में बदला और 2024 में वो विश्वास अब गारंटी बन चुका है। इस पुस्तक में मैंने लिखा है कि कैसे मोदी जी ने अपनी विरासत को संभाला, जैसे अयोध्या काशी मथुरा की बात होने लगी, सनातन जो 550 साल पहले का जो मुद्दा था जो राम मंदिर का, वो भी किस तरीके से सॉल्व हुआ और मंदिर बना, आपने देखा भव्य मंदिर बन गया है। और सनातन जब इस्लाम मुगलों का शासन था तो हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, सनातन काफ़ी समय से जो है इस चीज़ से परेशान था। और उसके बाद अंग्रेज़ों का दौर आया, अंग्रेज़ों ने हिंदुओं में हीन भावना भी भर दी, एक डर का माहौल था ऊपर से हीन भावना, तो जो लोग थे वो सनातन की बात करना ही लगभग भूल गए थे। और मोदी जी के आने के बाद अब सनातन की बात दोबारा होने लगी और मुझे लगता है कि काशी मथुरा और अयोध्या की बात होना भी एक बड़ी बात है। राजनीतिक रूप से मोदी की गारंटी चुनावों में इस बार इस्तेमाल की गई, यानी आपने पुस्तक पहले लिखी थी? हाँ, मैंने ये पुस्तक लगभग दिसंबर में, मैंने आपको बताया कि इसको मैंने दिसंबर में इसको पब्लिश किया था और 2023 में। और इत्तफाक की बात है कि ये शब्द मोदी की गारंटी बाद में और ज़्यादा चर्चा में आ गया और जब ये विकसित भारत संकल्प यात्रा निकली उस दौरान इस शब्द को ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। बेसिकली आप करते क्या हैं? मैं एक पत्रकार हूँ और अखबार चलाता हूँ पानीपत से। जी, इसके अलावा अगर चर्चा की जाए इस मुद्दे की, क्योंकि कोई भी किताब प्रकाशित करनी हो इसके लिए फंड बहुत ज़रूरी होते हैं, आप इसको यहाँ सेक्रेटरीट में हम देख रहे हैं कि आप बांट रहे हो, नेताओं को मिल रहे हो और ब्यूरोक्रेसी से मिल रहे हो, तो अल्टीमेटली ये फ़ंड कहाँ से अरेंज करते हो, आपको दिक्कत नहीं आती? नहीं, मैंने अभी शुरुआत में कुछ प्रतियाँ जो छपवाई थी इसमें मैंने 50 माननीय सांसदों को यह प्रति दी है और आज मैं चंडीगढ़ आया हूँ और मैंने हरियाणा सरकार के कुछ नेताओं को और कुछ कर्मचारियों को यह पुस्तक भेंट की है और मैं चाहता हूँ कि इस पुस्तक को हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार अपने स्तर पर इसको खरीदे और स्कूलों, कॉलेजों, लाइब्रेरी और पंचायतों तक और ये हो सके तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाए, इसको बांटा जाए। यानी अभी तक आप फ्री कम्प्लीमेंट्री बांट रहे हैं, आपको फंडिंग कहीं से अरेंज नहीं हो रही? जी अभी बिल्कुल, अभी मैं जो भी मैंने पैसा लगाया है मैंने अपने पास से लगाया, किसी से कोई फंडिंग नहीं हुई है और मैं चाहता हूँ कि सरकार इसमें कुछ मेरा सहयोग करे। यानी कोई प्रिंटर, पब्लिशर या कोई ऐसा संस्थान आपको अभी तक किसी ने कोऑपरेट नहीं किया? नहीं, मैंने एक्चुअली इसको वास्तव में अगर आपको बताऊं तो मैंने इसको खुद ही लिखा है, खुद ही एडिट किया और एक प्रिंटर से मैंने खुद ही जाके इसको प्रिंट करवाया और चूंकि लेखन कार्य में मेरी रुचि है इसके बाद भी ये लेखन कार्य मेरा जारी रहेगा और मैं निरंतर कोशिश करूंगा कि इसका पार्ट टू भी लाऊं, क्योंकि अभी चुनाव होंगे तो इसकी मोदी की गारंटी का पार्ट टू भी लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस सरकार इसको
कुछ मेरा योगदान कर। क्या आपने सरकार से या मुख्यमंत्री जी से या सांसद हैं करनाल जिला के संजय भाटिया जी विधायक हैं प्रमोद विज या और कहीं विधायक या मंत्री या ब्यूरोक्रेसी में इसके लिए अनुरोध किया कि ये आपको इस तरह की सहयोग करें? जी बिल्कुल, मैंने चंडीगढ़ में DPR महोदय उनको प्रति दी है, मुख्यमंत्री जी को भी दी है और करनाल सांसद संजय भाटिया जी को भी दी है और सभी से अनुरोध भी किया है कि आप इसको अपने स्तर पर देखें। देखिए, ये संजय सलूजा हैं और सुधीर सलूजा को दिक्कत ये आ रही है कि ये किताब लिख रहे हैं मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी उस वक्त लिखी जब ये राजनीतिक रूप से मुद्दा बाद में ये बात बनी, लेकिन इनकी सपोर्ट कहीं से किसी तरह से नहीं हो रही और इनको सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। इनका कहना है कि सरकार अगर पब्लिकेशन या इन चीज़ों में उनकी मदद करे तो ये मोदी की गारंटी जो दिसंबर 2023 में इन्होंने लिखी, इसका और अच्छे तरीके से प्रकाशन होकर ज़्यादा संख्या में प्रचार और प्रसार किया जा सकता है। ये एक बतौर लेखक इस वक्त फाइनेंशियल सिस्टम से जूझ रहे हैं, जितना इन्होंने दमखम है उसको लगाकर ये बुक प्रकाशित कर चुके हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।